नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे मोबाइल की बैटरी के मतलब जो टॉप वाला पॉइंट होता है बैटरी का, तो इसके नीचे क्या होता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है। तो तीन पॉइंट आपको दिख रहे हैं जिनसे जहाँ से बैटरी मतलब मेरी चार्ज भी होती है और जहाँ से मोबाइल जैसे ऑन भी होता है, जैसे मोबाइल कार्ज भी करता है, बैटरी भी चार्ज होती है। लेकिन इसके नीचे होता क्या है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, तो ये क्या मतलब इससे जो कनेक्शन आए हुए हैं जो बैटरी से डायरेक्ट तीनों पॉइंट के जोड़ दिए गए हैं या इसके अंदर कुछ और भी होता है, तो यही सारी बातें आज हम जानेंगे इसमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टॉप में पॉइंट जो काला दिख रहा है पूरा सिस्टम, इसे या तो हम तोड़ेंगे या किसी तरीके से खोलेंगे। तो खोलेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या होता है। तो चलिए हम पेचकस से दबा दबा के देखते हैं इस तरीके से खुल जाता है या टूट जाता है, जो भी करना है फिलहाल इसे खोलना है। तो इस तरीके से देखिए हम दबा रहे हैं, ये पॉइंट बहुत आसानी से अलग हो गया, ज़्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन जो पॉइंट जो थे इसके नेगेटिव पॉजिटिव वाले वो भी टूट गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेस्टर लगाया तो उसी पे पत्ती पे लग गया और पत्ती से मतलब अलग हो गया। तो ये पॉइंट अलग हो गया, बैटरी अलग हो गई है। अब हमें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे ये पत्ती है, ये वाली ये पत्ती जो है इस पे पेचकस लग गया तो वो ब्रेक हो गई, टूट गई। तो एक तो सप्लाई ये हो गई और एक और हो गई, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दो सप्लाइयाँ जाती हैं। अब ये देखना है कि इसके अंदर क्या है, या डायरेक्ट ही सप्लाई ऊपर तक आई हुई है। यही दोनों मतलब बातों के हम यही बातों के जानेंगे देखेंगे। तो इसके लिए हमें यह ऊपर के वाला हिस्सा जो है इसे खोलना पड़ेगा या थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक से निकालना पड़ेगा। जो प्लास्टिक लगी हुई है ये प्लास्टिक हम हटाएंगे, तो प्लास्टिक हटाने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि इसके अंदर क्या है। तो चलिए हम प्लास्टिक से इसे थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से दबा के किसी तरीके से हम ये प्लास्टिक को हटाते हैं। हटाएँगे तो इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा तो वो अभी निकलेगा, जो भी हो फिलहाल इसे हटाते हैं तो देखते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हटा दिया, इसे हाथ से भी हटा देते हैं। ये प्लास्टिक जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा इसे पेचकस से दबा के हटाते हैं। एक बार थोड़ी सी निकल जाएगी तो फिर ये निकल जाएगी, ये देखिए निकल गई है प्लास्टिक। थोड़ी सी प्लास्टिक और निकालते हैं तो इसके अंदर एक पत्ती टाइप की है, जैसे प्लेट है पतली पतली वही दिख रही है। थोड़ा सा और हटाते हैं फिर थोड़ा सा ही पता चलेगा। ये देखिए यहाँ से इसे भी हटा देते हैं। अब ये देखिए, ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और लंबी लंबी पत्ती है, तो उसी में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पूरा बना हुआ है। अभी हम आपको निकाल लेते हैं फिर दिखाते हैं। ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा, तो ये इस तरीके से ये है और आधा सर्किट टूट गया, क्यों निकालने की कोशिश की पूरा सही तरीके से लेकिन नहीं निकल पाया, आधा सर्किट टूट गया। बहुत पतली प्लेट टाइप की है तो वो मुड़ गई तो टूट गई। तो चलिए हम इसे भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसे निकालेंगे तभी पूरा सर्किट निकलेगा, तभी हमें पता भी चलेगा कि पूरे सर्किट में कितने कंपोनेंट लगे हुए हैं, क्या क्या लगे हुए हैं। तो ये बहुत माइक्रो वाले जो चिप लेवल टाइप के कंपोनेंट होते हैं वही कंपोनेंट इसमें लगाए जाते हैं, क्योंकि बड़े कंपोनेंट इतनी कम जगह में नहीं लग पाएंगे। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ये भी पत्ती हमारी निकल आई है और ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से ये पूरा सर्किट था, आधा टूट गया है। तो अब इसमें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं इधर, ये देखिए नीचे गिर गया। चलिए इसे उठा लेते हैं, हाथ पे रखे एक बार दिखाते हैं इसे और इस तरीके से जोड़ के आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से। तो ये पूरा सर्किट ये पत्ती नुमा बनाया गया और ये बैटरी के ऊपर लगा दिया गया और निगेटिव पॉजिटिव इसमें सप्लाई दे दी गई और उसके बाद हमें आउट सप्लाई यहाँ से मिलती है, जो टॉप वाले तीन पॉइंट होते हैं। तो ये देखिए इसमें आईसी लगी हुई है, एक फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है चिप लेवल वाला और चिप लेवल वाली रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं। तो आईसी तो आपको साफ नज़र आ रही होगी, काफ़ी बड़ी आईसी है और बाकी कंपोनेंट बहुत बहुत छोटे छोटे माइक्रो वाले हैं, तो वो कंपोनेंट इसमें लगाए गए हैं। इस तरीके से पूरा ये सर्किट तैयार किया गया है। तो यहाँ से वोल्टेज रेगुलेट होते हैं, जो भी है हमें 3.7 जो भी वोल्ट मिलते हैं वो यहाँ से आने के बाद ही हमें मिलते हैं। पहले इस बैटरी से इसमें आते हैं, यहाँ से आने के बाद आउट होते हैं, फिर हमें जो है मोबाइल के लिए जो वोल्टेज जाते हैं वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके बाद जो चार्जिंग होती है वो चार्जिंग भी यहाँ से होके बैटरी में जाती है। तो मतलब चार्जिंग है बैटरी की और जो वोल्टेज हमें मिलना है वो सारे मतलब वोल्टेज यहाँ से होकर गुजरते हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी पूरा मैंने सर्किट आपको इसे बैटरी को तोड़ा और फिर उसके बाद निकाला। ये देखिए टॉप वाले तीनों पॉइंट हैं, तो यहीं समय वोल्टेज मिलते भी हैं, यहीं समय चार्जिंग भी होती है। तो दो हमारे पॉइंट जो होते हैं मोबाइल ऑन करने के लिए होते हैं,
और एक पॉइंट होता है वो चार्जिंग के लिए। अब आप सोचेंगे कि एक पॉइंट चार्जिंग के लिए कैसे होता है, तो जो निगेटिव वाला होता है वो कॉमन होता है, वो चार्जिंग में भी काम आता है और सप्लाई देने के लिए भी काम होता है, क्योंकि न्यूट्रल या जो भी निगेटिव सप्लाई होती है वो कॉमन रहती है। तो ये देखिए बैटरी के मतलब पॉइंट जो हैं, दो पॉइंट हैं, एक ये देखिए इधर वाला, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है और दूसरा वाला वो निगेटिव पॉइंट है। तो इस तरीके से इस पर प्लेट लगी हुई थी, उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ था। तो मैंने अभी आपको पूरा ये सिस्टम दिखाया कि बैटरी के अंदर क्या होता है टॉप वाले पॉइंट पे। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।